हुर्रियत के लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मदद लेने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है वो एक अलहदा बात है, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल अपनी अर्जी जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दाखिल की है और ये कहा है कि उन्हें एक लंबे अरसे से जो है वो हाउस अरेस्ट किया हुआ है। आखिरकार किन वजूहात के ऊपर उन्हें हाउस अरेस्ट किया है, किस जुर्म में, किस अपराध में उन्हें हाउस अरेस्ट किया है, कौन सा ऐसा उन्होंने जुर्म किया है, कौन सा ऐसा क्राइम किया है जिसके इफ़्ज़ में उन्हें हाउस अरेस्ट रखा हुआ है, क्यों उन्हें डिटेंशन में एक लंबे अरसे से रखा गया है, नमाज जुमा अदा करने वो नहीं जा सकते हैं, ईद की जो त्योहारों की नमाजें हैं वो तक भी वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि मीरवाइज फ्री हैं, वो मूव कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब कभी वो नमाज़ पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उनके गेट पे ही पुलिस के अहलकार उन्हें रोक लेते हैं और उनसे उन्हें ये कहते हैं कि आप हाउस अरेस्ट हैं, आप नज़रबंद हैं, आपको जाने की इजाज़त नहीं है। अब दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है। पहला तो यह है कि नज़ीर अहमद जो उनके लॉयर हैं, जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने पहले भी एक नोटिस जारी किया जिसका जवाब जो है वो सरकार ने नहीं दिया। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की है और हाई कोर्ट ने अब जो है वो इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछा है, ये सवाल किया है कि आखिरकार मीरवाइज उमर फारूक को क्यों डिटेंशन में रखा हुआ है और एक महीने तक का उन्हें जो है इस पे जवाब अपना वापस देना है। चार हफ्ते का वक्त है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, चार हफ्ते के बाद उन्होंने जो है वो जवाब वापस देना है एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट का ये मुतालबा है, ये मानना है कि यहाँ पर आखिरकार कौन से ऐसे वजूहात हो सकते हैं जिनके ऊपर मीरवाइज उमर फारूक को हिरासत में रखा गया है। आपको मालूम है कि उनके जो एडवोकेट हैं नज़ीर अहमद, उन्होंने अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी अर्जी तो दायर की है, क्या इस अर्जी को लेकर चलते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला है वो मीरवाइज के हक़ में होगा? अगर मीरवाइज के हक़ में फ़ैसला नहीं भी होता है तो उन्हें किन वजूहात के ऊपर बंद किया हुआ है, ये बड़ा सवाल है। हमारे जो हिज एक्सलेंसी यानी कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जी हैं वो कहते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक को जो डिटेंशन में रखा हुआ है वो आज़ाद है। अगर वो आज़ाद हैं तो फिर उन्हें आने जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, वो जुमा की नमाज़ क्यों नहीं अदा कर पा रहे हैं? और आप एक इतने लंबे अरसे से एक शख्स को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, आपने कभी रीज़न नहीं बताया कि रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, जबकि हिंदुस्तान देश एक जमहूरियत का देश, एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर आप अगर यहाँ पर इस तरीके से एक आम शहरी को बंद करके रखना चाहते हैं, उसके घर पर नज़र बंद करके, तो किन वजूहात के ऊपर? देखिए, आप अगर किसी को सलाखों के पीछे धकेलते हैं तो क्राइम का मालूम होता है कि वो रेपिस्ट था, उसने मर्डर किया है, वो एंटी एक्टिविटीज़ में मुलव्वज़ है, तो कुछ ना कुछ एक आपके पास प्रूफ होता है, एक आपके पास FIR रजिस्टर्ड होती है, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। बट विदाउट एनी, अगर आप एविडेंस बार बार उन्हें बंद कर रहे हैं घर के अंदर, या वो जिस तरीके से बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि मुझे बताया जाए मुझे किन वजूहात के ऊपर बंद किया हुआ, आखिरकार क्यों मुझे एक लंबे अरसे से डिटेंशन में रखा हुआ है, तो इन चीज़ों का जवाब जो है वो सरकार को लाजिम जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को देना होगा। शायद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल सकती है, और अगर वो अपने पॉइंट पे सही हैं, अगर उनका मौक़िफ़ सही है, अगर उनकी दलीलें सही हैं और गैर कानूनी तरीके से उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट किया हुआ है एक लंबे अरसे से, एज़ पर इंडियन सिटीज़न एक्ट को अगर आप देखेंगे, या फिर देश के कई सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें ये छूट देते हैं कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं अपनी कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या अपने घर से कहीं पर भी, तो अगर उन आर्टिकल्स की को मद्देनजर रखते हुए आप बात करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हाई कोर्ट फटकार लगा सकता है। तो फिलहाल हमें ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या कुछ नई अपडेट इस हवाले से निकल कर आती है।